हे गाइस, वेलकम बैक टू इंपोर्ट मोटरवर्क्स। दोस्तों मैं संकल्प और स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपने पास में है लैंड ओवर की फीलैंडर 2। आज इस गाड़ी के अंदर आज अपन करने वाले हैं इसके फ्रंट के दोनों शॉकर्स चेंज और इसके फ्रंट के दोनों जो आर्म सेट हैं उनको चेंज करने वाले हैं जो सस्पेंशन के अंदर कसे हुए होते हैं। तो वो अपन चेंज क्यों करने वाले हैं दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि इस गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम है कि जब गाड़ी अपन इंस्टेंटली सडनली जब एक्सीलेटर देते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी की जो ट्रैक्शन है वो कंट्रोल नहीं होती। जब गाड़ी बहुत अच्छी स्पीड में चल रही होती है, लगभग कोई 80 से 100 की स्पीड में चल रही होती है गाड़ी, तो उस वक्त जब अपन ब्रेकिंग करते हैं गाड़ी के अंदर तो क्या होता है कि वो ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जो स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़ा डगमगाता है और उसकी वजह से क्या है कि मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चल रही है। तो अपन क्या है कि जो इसके फ्रंट के दोनों शॉकर्स हैं वो और जो आर्म सेट है वो चेंज करने वाले हैं और बाकी जो भी अगर कोई अनदर पार्ट खराब निकलेगा तो उसको भी अपन चेंज करने वाले हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को चेंज करते हैं, फिर डिसमेंटल करने या दोबारा से फिटिंग कैसे करते हैं, तो वो सब जानने के लिए दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो के अंदर बने रहिए। थैंक यू। तो यहाँ पर अभी अपन इसका जो आर्म है वो अपन रिमूव कर चुके हैं, मतलब करने वाले हैं। तो उसके नीचे क्या है कि दोस्तों एक बॉल जॉइंट होती है, उस बॉल जॉइंट को पहले रिमूव करना होता है। तो वो बॉल जॉइंट जो है इसकी नकल के अंदर कसी हुई होती है, तो उसको अपन ने निकाल दिया है वहाँ से। और नीचे इसके एक 60 mm की स्टार बिट आती है, 60 mm की 60 नंबर की स्टार की गोटी होती है, उसके थ्रू अपन जो इसका आर्म है उसका एक बोल्ट है उसको अपन खोलेंगे। फिर उसके बाद में दो बोल्ट और होते हैं आगे की तरफ, उनको भी खोलना होता है। तो ये प्रोसेस है इसका आर्म को कम्प्लीटली बाहर निकालने का सस्पेंशन से, चेस से। तो अभी अपन इसको खोल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टॉर्क इसके अंदर होता है, तो उसके लिए अपन को कभी कभी जो न्यूमेटिक गन्स होती हैं या गन्स होती हैं टॉर्क वाली उनको भी यूज़ करना होता है, उससे भी कई बार अच्छे तरीके से खुल जाते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि ये स्लिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार के जो बोल्ट्स हैं अगर वो स्लिप होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फिर उनको बाद में खोलने के लिए। तो जो इसके जो बोल्ट्स हैं सस्पेंशन में वो सारे ही एंटी क्लॉक वाइज ही खुलेंगे, और अभी अपन इसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे। और अभी इसको अपन या इससे गोटी पाने की तरह मदद से नहीं खोल पा रहे हैं, तो इसको अभी अपन गन के थ्रू खोलेंगे। तो गन से क्या है दोस्तों कि एक अच्छे तरीके से टॉर्क अच्छा होता है, और देखिए हाल ही जैसे कहते हैं ना कि घंटों का काम मिनटों में, वो वाला काम यहाँ पर हुआ और ये बोल्ट अपना बाहर आ चुका है। तो अपन ने दो अंदर के बोल्ट भी खोल दिए थे, तो ये अपना जो आर्म है वो कम्प्लीटली बाहर आ चुका है। तो अब मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, इसको नज़दीक से देखिए, इसके जो बुशेज़ हैं रबर के वो कट चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। जो सेकेंडरी बुश है ये वाला गोल, ये भी कट चुका है, ये देखिए आप, ये कट चुका है। तो दोचियों पे क्या है कि गाड़ी कंफर्ट नहीं होता इसके अंदर बहुत ज़्यादा, कभी कभी आवाज़ भी कर जाती है गाड़ियाँ। इसकी बॉल जॉइंट है ये भी ख़राब हो चुकी है, तो इसके लिए अपन कम्प्लीटली इसका जो आर्म है वो अपन चेंज करेंगे, दोनों ही लेफ़्ट के और राइट के दोनों ही आर्म सेट्स और दोनों शॉकर्स चेंज करेंगे। और अभी खोलने वाले हैं अपन इसका शॉकर, फ्रंट का शॉकर। तो फ्रंट शॉकर खोलने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये कुछ एक बोल्ट दिया हुआ है नकल के अंदर, वो खोल लें। एंटी क्लॉक वाइज इसको भी खोलना है, तो इसको अपन गन लगा कर के ही खोल लेते हैं जब आसानी हो जाएगी इससे। और ये यहाँ पर इसका एक ABS सेंसर लगा हुआ है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का एक सेंसर लगा हुआ होता है, तो उसको भी अपन खोल लेते हैं क्योंकि नकल के अंदर लगा हुआ है, नकल को अपन प्रॉपर बाहर निकालते हैं। और क्या होता है कि अगर इसको अगर नहीं खोलेंगे अपन तो वो सेंसर की जो वायरिंग है वो टूट जाएगी या कहीं ना कहीं से बीच में से ब्रेक हो जाएगी, तो इसको भी खोलना है।
तो ये जो इसका ABS सेंसर है वो भी एंटी क्लॉक वाइज ही खुलेगा। तो उसको खोल लिया है और उसके बाद में अपन ने आर्म निकाल ही लिया था और ये नकल भी बाहर आ चुकी है। और अपना नेक्स्ट टारगेट इज़ कि जो अपना ये शॉकर है फ्रंट का उसको अपन खोलेंगे। तो उसको खोलने के लिए दोस्तों ये कॉइल टॉप है, इसके कुछ लॉक्स हैं, इस कॉइल टॉप के लॉक्स को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद में 13 mm के कुछ 3 बोल्ट होते हैं शॉकर के, उनको रिमूव करना होता है एंटी क्लॉकिंग वाइज। निकालने वाले हैं अपन इसका शॉकर, 3 इसके बोल्ट हैं, 13 नंबर के 13 mm के इसके 3 बोल्ट हैं। और उसके बाद में जो शॉकर है वो नीचे आ जाएगा, कम्प्लीटली शॉकर नीचे आ जाएगा। शॉकर के जो 3 बोल्ट्स थे वो खुल चुके हैं और शॉकर इसका बाहर आ चुका है दूसरी तरफ का, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो जब तक हम दूसरी तरफ आ गए हैं, दूसरी तरफ की फिटिंग्स अपन खोल लेते हैं, बाकी देखेंगे कि सामान कैसा ख़राब है और क्या क्या ख़राब है। आर्म के बुश आपने देख ही लिए हैं, आर्म के बुश कट चुके हैं और शॉकर में क्या ख़राब है वो भी अभी मैं आपको दिखाऊँगा। और ये अपना दूसरा तरफ का जो सस्पेंशन है फ्रंट लेफ्ट का, इसको भी अपन डिट्टो उसी तरह से बिल्कुल डिसमेंटलिंग करेंगे उसकी भी। तो उसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस ही रहेगा जिस तरह से अपन ने नकल निकाली और कैलिपर्स इसके खोले और उसके बाद में इसका शॉकर आर्म कैसे निकालना है वो सब भी देखेंगे अपन इसके साथ में आगे। तो यहाँ पर इसका जो एक्सल का फ्रंट ड्राइव एक्सल का जो बोल्ट है वो निकल चुका है और उसको निकालने के बाद में अपन इसका जो कैलिपर्स है, ब्रेक कैलिपर्स, उसको रिमूव करेंगे कम्प्लीटली। उसको निकालने के बाद में इसका जो नकल है वो निकालेंगे और फिर नीचे की जो आर्म है आर्म निकालेंगे। आर्म निकालने के बाद में इसका जो अपना बचेगा शॉकर, वही सब कुछ जैसा अपन ने अभी राइट साइड में किया। और देन अभी इसमें जो आर्म है, आर्म की अपन को नट खोलनी होती है एक नीचे ये। तो ये नट भी एंटी क्लॉकिंग वाइज खुलेगी। देन अभी अपन इसका जो एक्सेल है उसका नकल से अपन इसको बोल्ट खोल चुके हैं और अभी अपन निकाल रहे हैं इसका आर्म। आर्म निकालने के साथ, निकालने के लिए दोस्तों अपन को क्या होना कि रिमूव करने के लिए एक टायर लीवर की ज़रूरत होती है, एक टायर लीवर टाइप की रॉड की ज़रूरत होती है, उसके थ्रू अपन इसको निकाल पाते हैं। फिर उसके बाद में नीचे अपन आ चुके हैं इसका जो आर्म है उसका एक स्क्रू खोलने के लिए, वही एलिंकी वाला। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्क के साथ में कसा हुआ होता है, सस्पेंशन के सारे जो स्क्रूज नट हैं बोल्ट हैं वो सभी बहुत अच्छे तरीके से कसे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी टॉर्क के साथ में। तो अपन इसको गन के थ्रू खोलेंगे, तो ये खुल चुका है, बाहर निकालेंगे इसको अभी अपन पूरा। तो ये बोल्ट बाहर आ चुका है और ये यहाँ अपना फ्रंट लेफ्ट का भी आर्म बाहर आ चुका है। तो ये आर्म है, इसको अपन देखते हैं कि इसमें भी देखिए दोस्तों जो इसकी बुशेज हैं वो कम्प्लीटली कट चुके हैं, इसकी बॉल जॉइंट कट चुकी है, क्योंकि अगर लेफ्ट का ख़राब है तो राइट का भी ख़राब होगा। बिकॉज ऑफ कि गाड़ी चलेगी तो सारे पार्ट्स चलते तो साथ एक साथ ही हैं, अगर आगे के पहिए चल रहे हैं तो एक पहिया नहीं चलेगा, दोनों ही चलेंगे। तो अभी अपन निकालेंगे इसका जो फ्रंट का शॉकर है वो कम्प्लीटली जॉकर अपन रिमूव करने वाले हैं बाहर गाड़ी से, और उसके बाद में फिर इसको डिसमेंटल करेंगे, सारा पार्ट्स इसके अंदर से खोलेंगे और जो नया पार्ट्स अपने पास आया शॉकर उसके अंदर फिट करेंगे। तो उसको खोलने अपन जो फ्रंट की शॉकर है उसको खोल रहे हैं, यहाँ से एक ही बोल्ट है इसके अंदर नीचे,
उसके बाद में फिर यहाँ ऊपर शॉकर के 3 बोल्ट्स होंगे, 13 नंबर के, 13 mm के 3 बोल्ट्स हैं, उनको खोलना होगा। तो ये बोल्ट भी खुल चुका है। तो जी यहाँ अपना जो नकल है वो भी बाहर आ चुकी है, आर्म अपना बाहर आ ही गया था पहले, तो नकल बाहर आ गई है अपनी। तो अभी अपने पास बचता है सिर्फ एक शॉकर, वो शॉकर भी अपन अभी बस 3 बोल्टों की कहानी है, 3 बोल्टों का सफ़र रह गया शॉकर को खोलने के लिए। तो वो 3 बोल्ट भी अपन अगर खोल लेंगे तो वो शॉकर अपना बाहर आ जाएगा, और उसके बाद में फिर डिसमेंटलिंग और दोबारा से वही नया शॉकर फिट करेंगे। तो यहाँ से सेम प्रोसेस है कि क्या करेंगे, पहले कॉल टॉप के नीचे ही वो 3 बोल्ट होते हैं, यहाँ अपने ऊपर एप्रोन के पास में जो एप्रोन बोलते हैं, तो यहाँ से अपन 3 बोल्ट्स इसके खोलेंगे। और याद रहे कि नीचे एक बंदा पकड़े रहना चाहिए शॉकर को, क्योंकि क्या होगा अगर ये बोल्ट खुल जाएगा तो नीचे शॉकर गिर जाएगा। तो ध्यान रखें कि एक बंदा नीचे पकड़ के बैठे इसको, क्योंकि थोड़ा हैवी होता है शॉकर, वजन भी होता है। तो ये शॉकर तो ये शॉकर खुल चुका है, बाहर आ चुका है। तो इसको भी देखते हैं अपन की ख़राब है, और ये भी शॉकर देखिए दोस्तों लीक हो चुका है, ऑयलिंग इसके अंदर से लीक हो रही है, क्योंकि ये शॉकर सब रिपेयर्ड नहीं होते हैं, चेंज ही होते हैं दोबारा से इनको। जैसे पहले की गाड़ियों में शॉकर्स भर जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है, अब शॉकर्स चेंज होते हैं। तो अभी अपन आ चुके हैं बेंच वाइस पर, और बेंच वाइस पर इस शॉकर को फिट करने के बाद में क्या करेंगे अपन की जो इसकी स्प्रिंग है और इसकी जो शॉकर माउंट है उसको बाहर निकालेंगे। तो उसको बाहर निकालने के लिए ये शॉकर दोस्तों तैयार हो चुका है, ये बिल्कुल तैयार शॉकर है, नया शॉकर है, इसको तैयार कर दिया था, इसकी वीडियो मैंने ले नहीं पाया था। बट अभी अपन इसको खोलने वाले हैं, तो खोलने का इसको हमें प्रोसेस अब जो प्रोसेस है वो मैं दिखाऊंगा क्या होता है। अब उसको फेंकेंगे और नया शॉकर लगा देंगे। तो यहाँ जो एक नट रह गया है, इस नट के थ्रू ही वो सारी कहानी है। अभी अपन ने पुलर्स के थ्रू क्या हुआ है कि उसकी जो टेंशन है, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग की जो टेंशन है उसको दबा दिया है पुलर के थ्रू, और यहाँ से शॉकर माउंट को खोलेंगे और बाहर निकालेंगे स्प्रिंग को और शॉकर माउंट को और इसके अंदर के जो रबर का बूट है उसको। तो यहाँ अपन ने शॉकर का जो माउंट का जो नट है उसको अपन ने खोल लिया है कम्प्लीटली, और एंटी क्लॉक वाइज इसको दोस्तों खोला था, बहुत आसान सा था। इसको खोलने के बाद में अपन इसका ये शॉकर माउंट है उसको बाहर निकालने वाले हैं, और ये शॉकर माउंट अपना बाहर आ चुका है इस तरह से, ये शॉकर माउंट बाहर आ चुका है। उसके बाद में अपन इसकी रिमूव करेंगे स्प्रिंग, इसको इसकी जो स्प्रिंग है उसको बाहर निकालेंगे, कॉयल स्प्रिंग को, कॉयल स्प्रिंग इसको बोला जाता है क्योंकि कॉयल की तरह ये कुछ होती है। और ये है इसका रबर का एक बूट, ये बूट अपन निकालने वाले हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि शॉकर कैसा है ये देखने में, मतलब कैसी इसकी पावर है, इसके अंदर क्या जान बची हुई है, और नए के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयरिंग में क्या अंतर आते हैं इसके अंदर। तो देखिए हाथ से ही दब जा रहा है बड़े आराम से, और ये है इसका शॉकर का माउंट रबर की, ये देखिए हाथ से बड़े आसानी से दब गया। बट अगर नया शॉकर अगर होता तो वो नहीं दबता, ये देखिए ये नहीं दबेगा। तो इसको अभी अपन चेक करेंगे, ये एकदम जब इसका लॉक रिमूव किया तो क्या है कि ये बड़ी ही स्पीड के साथ में ऊपर गया, क्योंकि इसके अंदर भी पावर पूरा है, पूरा प्रेशर है, और ये जो फेक करेगा वो पूरी फेक करेगा। तो ये अपने 2 नए शॉकर्स कंप्लीटेड, और ये 2 पुराने शॉकर्स, तो अभी अपन बेंच वाइज पर इसको दोबारा से कसने के बाद में तैयार करेंगे। और ये अपने 2 शॉकर्स अब कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं, एकदम रेडी टू गो, और अभी इनको अपन चेस के अंदर कंप्लीट करेंगे। यहाँ अपने पास आ चुके हैं 2 इसके आर्म सेट, नए ऑल न्यू इसके आर्म सेट्स हैं ये। तो ये देखिए इसके जो बुशेज हैं वो एकदम ऑल न्यू हैं, कहीं से भी कटे पटे नहीं हैं एकदम, और जो एकदम टाइट हैं, लूजनेस नहीं है बिल्कुल भी, और जिसका बॉल जॉइंट भी एकदम इसका टाइट है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं है।
तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि टाइट जब सस्पेंशन के पार्ट्स होंगे तो सस्पेंशन ऑलरेडी टाइट हो जाएगा और चलाने में गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। और अभी अपन इसको फिट करेंगे इसकी गाड़ी की, इस गाड़ी का पूरा कम्प्लीटली सस्पेंशन, इसके दोनों आर्म सेट्स, इसके दोनों शॉकर्स। तो यहाँ अपन ने इसका आर्म लगा दिया है नॉर्मली, जैसे अभी जैसे खोला था वैसे ही लगाया है, कस दिया है शॉकर। इसका जो ड्राइव एक्सल है वो लगा दिया है नकल के अंदर, उसका स्क्रू टाइट कर दिया है। अभी अब इसको अपन बिठा लेंगे इसके अंदर। तो टाइट हो जाने के बाद में दोस्तों नकल के अंदर इसको अपन नकल के अंदर अपन ने शॉकर को बिठा दिया है कम्प्लीटली। और इसका जो ड्राइव एक्सल का बोल्ट है वो टाइट हो चुका है, नीचे बॉल जॉइंट में बैठ चुकी है, सॉरी बैठ ही नहीं है अभी, वो बिठाना रह गया है। और जो शॉकर है वो अपन टाइट कर रहे हैं, शॉकर इसका बॉल नकल के अंदर बैठ चुका है कम्प्लीटली। दोस्तों आर्म लगाने के बाद में, शॉकर लगाने के बाद में कम्प्लीटली गाड़ी हो चुकी है हमारी तैयार। और अभी गाड़ी का हमने टायर भी लगा दिए हैं, बट अभी गाड़ी लिफ्टिंग मोड में है, तो लिफ्टिंग मोड से उसको अभी अपन ग्राउंड पर लाएंगे। रोड पर लाने के लिए उसको जो लिफ्टर लगा हुआ नीचे, उसको जैक लगा करके उसको उतारेंगे और फिर गाड़ी को हम रोड पर लेंगे और देखेंगे ट्रायल करके कि ट्रायल करने में कितना आराम हुआ, कितनी गाड़ी कंफर्टेबल हुई। जो पहले की तरह अचानक से एक्सलेटर देना और ब्रेक लगाना, जो गाड़ी लहकती थी लेफ्ट राइट में, क्या वो दिक्कतें अभी भी आ रही हैं और कितना वो सॉल्यूशन उस चीज़ का हुआ है, तो उस बारे में भी अभी आगे जान। और ये गाड़ी अपनी रोड पर आते हुए, अब दोस्तों देखेंगे गाड़ी को चला कर कि चलाने में गाड़ी में कितना आराम हुआ है। तो यहाँ एकदम रेडी टू गो है। तो दोस्तों गाड़ी चलने में एकदम ऑल ओके है, यहाँ रोड पर हम गाड़ी को चला रहे हैं तो बिल्कुल गाड़ी ऑल ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं, ब्रेकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं थी, एक्सलेटर देने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ था वो देखते हैं आगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बताना, मैं आपको ये भी चाहूँगा कि क्या होता है कि सस्पेंशन कटते कुछ हमारी कमियों की वजह से भी, कुछ हमारे जो देश में रोड्स हैं उसकी वजह से भी सस्पेंशन जल्दी कट जाते हैं। एक्चुअली सस्पेंशन हाईवे या बहुत अच्छी सड़कों पर नहीं कटते हैं। क्या होता है कि दोचियाँ जब आती हैं, ब्रेकर्स जब आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड में उस ब्रेकर से वो गाड़ी निकाल देते हैं, तो उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो हमें बस अपने सस्पेंशन की एक लॉन्ग लाइफ करने के लिए काम करना होगा कि हम अपनी गाड़ी को जब भी कोई ऐसे बड़े ब्रेकर या दोचियों वाले रोड पर या मड वाली जगह पर कभी भी गाड़ी को चलाएं, तो क्या करना है कि गाड़ी को बड़ा स्लो से निकालना है, उसके बाद में फिर अच्छे रोड आने पर ही उसकी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है। इससे दोस्तों आपकी गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा उसकी लाइफ बढ़ेगी और वो जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेल नोटिफिकेशन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब भी कोई वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।